क्या आपको पता है एक रेस्टोरेंट मैनेजर का मेन गोल क्या होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए उस मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संजय झा है, मैं एक रेस्टोरेंट मैनेजर ट्रेनर हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं रेस्टोरेंट मैनेजर और उनके टीम के लिए ट्रेनिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, टीम मेंबर हैं, शिफ्ट इंचार्ज है या सुपरवाइजर है तो ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, एक रेस्टोरेंट का मेन गोल एक ही होता है और वो है एक रेस्टोरेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। और जब रेस्टोरेंट का खुद का गोल प्रॉफिट करना है तो रेस्टोरेंट ओनर का या फिर मैनेजर का या टीम मेंबर का सबका गोल एक ही होना चाहिए, मेक द रेस्टोरेंट मोर प्रॉफिटेबल। अब आपको एक सवाल मन में आ रहा होगा कि भाई साहब वो तो ठीक है लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट करें कैसे। देखिए, इसके दो ही रास्ते हैं। एक रेस्टोरेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का दो ही रास्ता है, या तो उस रेस्टोरेंट की सेल बढ़ा दो या फिर उस रेस्टोरेंट की खर्चे कम कर दो, या फिर दोनों ही कर लो, थोड़ा सेल भी बढ़ा लो और थोड़ा खर्चे भी कम कर दो तो रेस्टोरेंट आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसी को दोनों गोल को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े अलग अलग एक्टिविटी करते हैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। और यहीं से एक रेस्टोरेंट मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आता है। आप जो भी देखते हैं एक रेस्टोरेंट मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही दोनों गोल को अचीव करने के लिए होता है, हाउ टू इंक्रीज सेल एंड हाउ टू डिक्रीज कॉस्ट, ताकि रेस्टोरेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। अब आप फिर कह रहे होंगे कि भाई साहब वो तो ठीक है लेकिन सेल बढ़ाए कैसे, खर्चे कैसे कम करें, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में अभी इसी वक्त बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।